हेलो फ्रेंड्स, हेलो, गुड इवनिंग। अभी बज चुका है इवनिंग 4 और हमारे ब्लॉक में यानी कि मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित के ब्लॉक्स में आपको बहुत बहुत स्वागत है। हम निकल रहे हैं एक जगह। अभी कहाँ पे जा रहे हैं? पार्लर पार्लर मैं जा रही हूँ पार्लर। मॉर्निंग में दीदी गई थी, मैं तो मॉर्निंग में स्कूल चली गई थी, उसके बाद आई, अभी खाना वाना खाए और अभी मैं जाऊंगी पार्लर। तो दशहरा टाइम आ गया है, मम्मी के घर जाना है तो इसीलिए जाएंगे पार्लर। तो ये मुझे छोड़ देंगे अभी, और ये भी जाएंगे शेविंग होने। शेविंग होने जाएंगे, शेविंग होने तो होगा तो टाइम जाएंगे। तो इसीलिए मैं एक्चुअली ना काम आ गया है, हमारा एसी का जो पानी गिरा था वो तो मतलब बंद हो गया था, फिर ना 2-4 दिन बाद फिर से गिरने लगा। कल बहुत जोर से गिरने लगा तो बंद कर दिए। आज फोन किए थे ना, देखने आया था एक लड़का, तो अभी वो जो एक्चुअली रोस्टेड हो गया है अंदर उसका चैम्बर रोस्टेड हो गया है, तो वो वाला कैबिनेट जो अंदर में लगता है वो चेंज करेंगे। इंडोर वाला कैबिनेट उसको पूरा टोटल चेंज कर दे रहा हूँ। वो कितना 12,000 की 13,000 करीब आ रहा है, उसको चेंज कर देंगे। तो अभी शायद वो आएगा और वो करेगा, तो ये मुझे छोड़ के आ जाएंगे, वो कर लेगा, फिर ये रात में जाएंगे सेविंग पार्लर सेविंग करने। तो फिर अभी मैं चलती हूँ पार्लर, होगा तो पार्लर में दिखाऊंगी मैं क्या करूंगी क्या नहीं, छोटा छोटा क्लिप्स। और मैं जहाँ पे जा रही हूँ वो है सुजाता ब्यूटी जोन, मेरी मौसी सास का पार्लर है और वहां पे जा रही हूँ मैं, हमेशा वहीं पे ही जाती हूँ। तो चलिए देखते हैं वो कहाँ पे है और किस तरह का फैसिलिटीज है वहाँ पे। बहुत अच्छा फैसिलिटीज है और मैं दिखाऊंगी आपको, होगा तो जितने लोग आसपास में हैं वहाँ पे जा मतलब जा सकते हैं, अच्छा पार्लर है। गुलिया सी कोई दो मोटे भी कर दे। ये बोल रहे मौसी को बोलना मेरा वाला भी कर देंगे। मेरी मौसी सास है ना, इनकी खुद की मौसी है, तो जाते हैं वहीं पे, अच्छा लगता है हमें, कंफर्ट लगता है वहां पे। मेरी सास और मम्मी का है पार्लर। मुझको बचपन से लेके घूमे हैं मौसी, खुद के मौसी हैं वो, तो मैं भी मजा करता हूँ उनको कुछ कुछ। ठीक है फिर चलिए चलते हैं, मिलते हैं वहां पे, बाय। देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए रास्ते में, मैं कहाँ पे पार्लर है आपको दिखा दे रही है। ये है ICICI बैंक है ना, उसके थोड़ा आगे जाएंगे सुरुचि बाजार है, इसके बाद ही इधर आता है आपका संजना फैशन मार्ट, उसके आगे आता है किलर शोरूम। ठीक किलर शोरूम के फ्रंट में ही है ये येलो कलर का जो बिल्डिंग है, ये है पार्लर ऊपर वाला। बाय बाय।
ओके देखिए फ्रेंड्स, मेरी मौसी साहब मेरा हेयर कट कर रही है, वो बहुत अच्छे से हेयर कट करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका कटिंग। देखिए और एंजॉय कीजिए, और लास्ट में मेरा हेयर कट कैसे हुआ है ना आप ज़रूर बताना। देखिए मेरा हेयर कट कंप्लीट हो गया, कैसा हुआ है बोलिएगा फ्रेंड्स। अभी मिलिए मेरी मौसी सास से, ये है मेरी मौसी सास जो मेरी हेयर कट की है, आप सब देख चुके हो। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरा वाला अभी ख़त्म हो चुका है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी जो हो सके और हेयर कट दिखाऊंगी। और ये देखिए मेरी मौसी, मैं जैसे बोल रही थी हाय बोल दीजिए, और इनसे अभी बात करेंगे, इनके पार्लर के बारे में वो बताएंगे आपको क्या क्या ऑफर्स रहता है, कौन कौन से सीजन में क्या क्या करते हैं, और शादी में कैसे, मतलब शादी का भी मेकअप मौसी बहुत अच्छा करती है, और खाली शादी दुल्हन के लिए नहीं, साइड मेकअप जैसे पार्लर में आजकल करवाते हैं, आजकल तो सब कोई पार्लर में करवाते हैं, तो फिर आइए बात करते हैं उनसे। हेलो, अभी हम लोगों का दशहरा का बहुत सारे ऑफर है, ऐसा पैकेज वगैरह भी बहुत सारे हैं, शादी का भी अभी सीजन शुरू हो रहा है, तो शादी का भी हम लोग मेकअप और उसका जो बॉडी पैकेज है सारा पैकेज में भी ऑफर है, और आप लोग आइए और आके यहाँ पे जैसे कि डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या क्या काम करवाना है, बहुत सारे रहता है और कोई और चीज़ नहीं करवाते, तो उसके हिसाब से हम लोग पैकेज बनाते हैं और उसमें देते हैं ऑफर। अभी तो दशहरे के लिए हम लोगों का अप टू 30% का भी ऑफ है, स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग हर चीज़ में अभी ऑफर चल रही है, तो ठीक है अभी आप लोग आइए पार्लर में। ये देखिए उनके पार्लर का कार्ड है, और ये कुछ मेरे पिक्स हैं, और कुछ दीदी के भी एक पिक है। देखिए ये वाला हम पार्लर में मेकअप किए थे एक शादी के टाइम पे, और ये मौसी का किया हुआ एक जोड़ा मुझे बहुत पसंद आता है। ये देखिए हेयर कलर, और ये देखिए मेकअप, मैं कुछ पिक्स सिलेक्ट करके दी हूँ आपको। और ये वाला ऐसे कान को मतलब गन से करते हैं, ईयरिंग डालते हैं, ये देखिए 30% डिस्काउंट। और ये मैं फ़ोन कर रही थी इनको कि मेरा ख़त्म हो गया है, आ जाइए जाएंगे, बात कर रही थी इनसे। देखिए उसके बाद ये बोले कि मैं आ रहा हूँ। देखिए मौसी, आपके साथ बात की है, आपको बताया कि पार्लर में क्या क्या ऑफर है, अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है, उसके बाद शादी का सीज़न आ रहा है, अभी लॉकडाउन होने से भी तो शादी के टाइम पे मेकअप वगैरह तो बनता ही है, वो सब तो लड़के लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए जितने भी गर्ल्स हैं या जो ब्राइड है या फिर जो ब्राइड के साइड में जो फ्रेंड्स रहते हैं, जिसको को भी मेकअप करना है आप आके एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम भी कर चुके हैं, अगर होगा तो मैं यहाँ का कुछ मेकअप का पिक्स दे दूंगी वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो घर जाने से फिर बात करते हैं। ओके बाय। देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई घर, देखिए कैसे कर रहा है, सबको गुस्सा दिखा रहा है, मैं इतना देरी कर दी ना, थोड़ा देरी हो गया पार्लर में, मैं अभी घर आ गई हूँ। और ये देखिए, ये भी पार्लर जा नहीं पाए अपना, इसको अगर नहीं लगाते तो आज रात को सो नहीं पाते, एक्चुअली बहुत गर्मी है। हाँ, कल रात को विदाउट एसी में सोए, पानी इतना गिरा, तो दोपहर को मैं फोन किया, जो टेक्नीशियन है वो बोला कि नहीं शाम को फिट करेंगे, तो मैं फिर डायरेक्ट कंपनी गोदरेज कंपनी का टोल फ्री नंबर में फ़ोन किया, कंप्लेन दिया, तो उसके बाद उसको रिमाइंड किया तो वो आया, तो आने के बाद मेरा उसके साथ डिस्कशन हुआ कि
कि ये वाला जो है थोड़ा प्रॉब्लम है, अंदर से क्या है रोस्टेड होके कुछ जगह क्रैक हो गया है, उसी के लिए पानी गिर रहा है। तो मैं बोला क्या है उसका सोल्यूशन, तो बोला कि नहीं ये चैम्बर अगर चेंज कर देंगे, जो इंडोर वाला चैम्बर है, तो ये पूरा पार्ट चेंज हो जाएगा। तो कितना पड़ेगा, मैं बोला तो बोला 13,000 करीब। तो मैं बोला ठीक है ले आ, तो वो मंगा दिया आज ही। तो 4 बजे मेरे को फ़ोन किया था कि लगाना है बोल के, तो अभी ख़त्म करके जस्ट गया है। और ये वाला अभी हमारा हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग यहीं पे रखते हैं। आप अगर अच्छा लगा तो ये वाले को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और okay? आज जितना सब्सक्राइब करके हमारे चैनल में जुड़े हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है फिर, चलिए रखते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।